गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 12.2 के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करेंगे 5th। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको दिया हुआ है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर होगी। इसने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, केंद्र से 60 डिग्री का कोण। इसके वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है। देखो, वृत्त की जीवा की लंबाई कौन सी होती है? ये वाली, ये वृत्त हो गया। ठीक है, त्रिज्या खंड से इसने क्या बोला, देखिए चाप, सॉरी इसने क्या बोला, चाप की लंबाई निकाले। तो चाप जो होती है ना, वो हमारी ये होती है। ठीक है, ये क्या हमारी चाप, तो उसने चाप, अब हमें ये निकालना है, इसकी लंबाई मैं कैसे निकालूंगी। देखिए ठीक है, तो ये क्या है, चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, चाप की लंबाई वो कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। ठीक है, 2πr, थीटा कितना हो गया 60, 60 बटे 360 गुणा 2, पाई कितना है 22/7। जब तक अगर आपको पाई का मान नहीं दे रखा तो आपको 22/7 ही लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद गुणा आर, आर कितना है 21 सेंटीमीटर, 7 × 21 ये हो गया 6। ठीक है, अब 2 × 6, 3 × 3 कट गया, तो कितना आया बेटा 22 सेंटीमीटर आया चाप की लंबाई। ठीक है, उसके बाद दिया है चाप द्वारा, उसके बाद क्या दिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। चाप द्वारा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा त्रिज्या खंड कौन सा बना, ये वाला, ये बना ना चाप से, ये चाप हो गई, इससे जो त्रिज्या खंड बना ये, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर का स्केयर। थीटा कितना हो गया 60 और ये हो गया 360, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया 21 × 21, 7 × 21 ये हो गया 6, 3 × 6 और ये हो गया 11। ठीक है, 11 × 11 = 22 और 231 सेंटीमीटर का स्केयर। यहाँ सेंटीमीटर लिखा क्योंकि हमें चाप की लंबाई निकालनी थी, यहाँ हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल को हम स्केयर में लिखते हैं। उसके बाद उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब जीवा क्या होती है, देखिए वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, वृत्त को, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त को काटती हुई, मतलब वृत्त को मिलाने वाली, बिना केंद्र के इस वृत्त से लेकर इस वृत्त के हिस्से तक मिलाने वाली, केंद्र नहीं आना चाहिए, वो क्या होती है, हमारी जीवा होती है। तो इसने ये कहा कि इस त्रिज्या खंड से जो आपकी ये बनती है ना जीवा, ये जो जीवा बनती है, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का, वृत्त, वृत्त वाले हिस्से को कवर करने वाला भाग वृत्त खंड कहलाता है। ठीक है, ये क्या हुआ कि जो वृत्त वाले हिस्से को कवर करता है ना, वृत्त वाले, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मुझे इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्त खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ संगत जीवा
द्वारा संगत जीवा द्वारा बनाई गई वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये पूरा हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा 231। अब त्रिभुज का निकालना है, त्रिभुज का मैंने पहले एक बार बताया था 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला ही लगाना है आपको। ठीक है, 231 माइनस 1/2 आर कितना हो गया 21 गुणा 21 और साइन कितना दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, तो 231 माइनस में साइन 60 का मान कितना होता है हमारा, साइन 60 का मान होता है हमारा 3/2। तो ये हो जाएगा 21 और 21 कितना हो गया 441/2 और ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 231 माइनस में 441 3/4। आपको सिर्फ ये इतना ही निकालना है, क्यों, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना ही सोल्व किया हुआ है, तो आपको इससे आगे नहीं निकालना। ठीक है, हमने इसे पहला पार्ट सोल्व किया, इसमें सेकंड पार्ट सोल्व किया और यहाँ हमने थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट हमने सोल्व किए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या माना त्रिज्या जो है ना वो क्या दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, वाले एक वृत्त को कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल। देखिए संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं और इसके अंदर आपको पाई का मान दिया हुआ है। जब तक आपको पाई का मान नहीं दिया होता आपको कितना लेना होता है 22/7। अगर आपको दे रखा है तो आपको यही लेना है और रूट तीन की वैल्यू भी आपको यहाँ दी हुई है। तो देखिए 15 सेंटीमीटर है, जैसे कि आपने ये वृत्त बनाया, इसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण। आपको क्या करना है, एक तो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका लघु वृत्त खंड, छोटा सा जो हिस्सा है ना ये हो गया लघु वृत्त खंड। ठीक है, जो वृत्त के साथ टच करता है, और जो पूरा बचा ये सारा का सारा वाइट पार्ट, ये सारा का सारा वाइट पार्ट जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास आर दिया हुआ त्रिज्या हो गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड निकालेंगे। लघु वृत्त खंड आपका कैसे निकलेगा, अब आपका ये देखिए ये त्रिज्या खंड है, इस लघु वृत्त खंड का स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करोगे, ये त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, लघु वृत्त खंड निकलेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये वाला, तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर का स्क्वायर और त्रिभुज का 1/2। आपको इन क्वेश्चनों में फॉर्मूला त्रिभुज का हमेशा यही लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, थीटा कितना हो गया 60/360 गुणा पाई कितना है, पाई आपको 3.14 दिया है तो 3.14 ही लेना है। ठीक है, पाई का मान उसने 3.14 दिया है और रूट तीन का मान भी उसने दिया है 1.73। आर कितना दिया हुआ है, आर है 15, तो 15 × 15 कर देंगे माइनस 1/2 आर है 15 × 15 और यहाँ हो गया साइन 60 डी, ये हो गया 6। ठीक है, पॉइंट हटेगा तो 100 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस पर जा रहा है ये, 3 × 6 = 3×5 = 15, 2 × 1 = 2, 2×5 = 10, 2 × 7 = 14, 5 × 2 = 20 पर 5 × 20 = 15। ठीक है, ये होगा 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 17, 3 × 3 = 4, 71/4।
माइनस। अब देखिए ये किस पर जाएगा, इसको काटेंगे जब हम, तो एक बटा दो गुणा में पंद्रह गुणा पंद्रह रूट तीन बटे दो आया, ठीक है। तो ये हो गया 471 बटे चार माइनस में पंद्रह पंद्रह 225 बटे तीन दो गुणा रूट तीन का मान कितना दिया हुआ है 1.73। तो 1.73 रखेंगे ना, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद जितने अक्षर है उतनी जीरो नीचे, दो जीरो आ गई गुणा दो, ये 25 पर गया, ठीक है। ये किस पर जाएगा, 25 निमा 225, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया अब आपका 471 बटे 4 माइनस में 9 3 27, 9 7 63, 65, 9 1 9 और 6 15 बटे 2 4 8, 8 2 16 ये आया, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, जब मैं इसको सोल्व करूँगी इस वाले को, तो क्या आएगा देखिए, 471 बटे में 4 माइनस में 1557 बटे 16। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 4 4 1 4, 4 7 28, 4 4 16 17 18 माइनस में 1557 बराबर कितना आया, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 5 गया 3 ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको करोगे तो 16 दूनी 32 हो गया 0, 16 चौके 64 और ये आपका ये निकलेगा, ठीक है। आप यहाँ जो जब आप आंसर निकालते हो ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ये चाहे थोड़ा सा अंतर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इसने बोला दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड क्या होता है, देखिए जैसे कि आपके पास ये था, ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ ये टुकड़ा दिया हुआ था ये, ठीक है। अगर आपको ये वाला हिस्सा निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे वाले में से अगर ये वाला हिस्सा घटा देंगे छोटा सा पार्ट, तो आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ये पूरा पार्ट क्या है, सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस में लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पाई कितना है 3.14, आर कितना है हमारा 15 गुणा 15 बटे, पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 5 3 15 5 2 10, 5 3 15 5 4 20, ठीक है। ये किस पर गया, 2 2 4 2 1 2 2 5 10 2 7 14, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा 9 7 63 और 9 5 45 45 और 6 51 51, 9 1 9 9 और 3 12 13 14 ये हुआ हमारा इतना, ठीक है। बटे में 2 माइनस में लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया था मेरा 20.1444, जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया था, 2 7 14 0 2 6 12.5। इसमें से हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो आएगा आपका सेंटीमीटर का स्केयर, जब आप इसमें से ये घटाओगे, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देगी आपको, सेवन्थ में क्या दिया हुआ है, सेवन्थ क्वेश्चन नंबर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। आपको क्या करना है, देखिए त्रिज्या क्या दी हुई है आपको, ये है आपका वृत्त, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर। आपको इसने बोला है ये जो है ना, ये कोण 120 डिग्री का है, तो आपको इसी के साथ जो संगत वृत्त खंड बनता है ना, उसकी क्या निकालनी है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। संगत वृत्त खंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेम ये पूरा मेरा क्या है, त्रिज्या खंड है, और ये क्या आपका त्रिभुज है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आर कितना दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा आपको 120 सेंटीमीटर, ठीक है।
आपको क्या निकालना है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का क्षेत्र, ठीक है। तो क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत, अब त्रिज्या खंड क्या है, पूरा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर का स्केयर, माइनस में त्रिभुज का 1/2 आर का स्केयर साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 120, तो यहाँ 120/360 गुणा पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 12 गुणा 12 माइनस 1/2 आर कितना है, सेम 12 गुणा 12। अब साइन जो है, साइन क्या है यहाँ पर, 120, ठीक है। तो देखिए ये 12 3 36, 3 पर गया, 3 चौक 12, 4 पर गया, ठीक है, ये हो गया 88 गुणा 12/7 माइनस 2 6 12 6 पर गया, 12 6 72। साइन 120 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 90+30 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक है। आपको पता है नब साइन आपने किया भी था 10th में भी अभी पीछे, 90+θ क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये, फर्स्ट में ये यहाँ आता है, 0 से ये 90 है, तो 90+θ में क्या आता है, ये सारे बदल जाएंगे, तो माइनस में 72, ये किसका हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसके अंदर आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, 90+θ किसके अंदर आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका, साइन जो है वो हमेशा क्या रहता है, प्लस का ही रहेगा, तो कोस 30 का मान कितना होता है, 3/2, तो ये हो जाएगा 88 गुणा 12/7 72 गुणा √3/2, ये 2 3 6 2 6 12, ठीक है, और ये हमारा कितना आया था, इसको हम इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करके देख लेते हैं हम, 12 से इसकी 10/56 आया, 10/56 / हमारा है 7, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बटे 7 माइनस में 36, √3 का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, √3 आपका क्या, 1.73, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो बटे में क्या जाएगा, 100, देखिए हमने क्या किया था यहाँ पर, पाई का मान क्या है, 3.22/7 रखा है, 22/7 की जगह पर हमें क्या रखना है, 3.14 रखना है, ठीक है, जो हमें दिया हो ना वही रखना होता है, ये देखो मैंने देखा नहीं, यहाँ 3.14 दिया हुआ है तो हमें 3.14 ही रखना है, ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसमें 3.14 ही रखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा पॉइंट हटेगा तो 100 आ गया नीचे। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका, अगर आप सोल्व करोगे तो 700, जब आप 3.14 रखोगे तो आपका आंसर जो है वो अलग आएगा, ठीक है, ऐसा करके रख ही देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ तेजा खंड के क्षेत्रफल में डिफरेंस करना है मुझे, ठीक है, यहाँ मुझे 3.14 रखना है, 3.14, ठीक है, 3.14 रखना है, तो 12 × 12 = 48, मैं इसको यहीं से सोल्व कर देती हूँ, 12 × 48 गुणा में फिर से ले लेते हैं, 120/360 गुणा 3.14 गुणा 12 × 12, और इसको सोल्व किया तो यही आ रहा है, 36/100 और गुणा में 173, ठीक है, 12 3 36, 3 4 12/100 आ गया इसका, ये पॉइंट हटेगा तो 100 आ गया, तो 12 6 48, तो 314 × 48/100 माइनस में 36 × 173/100 आए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, 314 की गुणा करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करने पर मेरा यह है
जब इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 88 और 44, और इसको जब भाग करेंगे इससे तो मेरा आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर का स्केयर। ठीक है, मैंने सोल्व करके दिखा दिया, 3.14 लगा के दिखाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एट्थ में दिया हुआ 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर, देखिए यहाँ कोने पर एक रस्सी बंधी हुई है और 15 सेंटीमीटर वर्गाकार, मतलब 15 सेंटीमीटर का ये पूरा 5 मीटर लंबी रस्सी है, ये रस्सी जो है ना ये 5 मीटर लंबी रस्सी है। अगर 5 मीटर लंबी रस्सी है तो ये घोड़ा जो है वो 5 मीटर की दूरी तक ही तो घूम सकता है ना ऐसे करके। ठीक है, तो ये जब घूमता है ऐसे करके तो ये क्या बना रहा है, त्रिज्याखंड बना रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि से बंधा है तो ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है कि मैदान के इस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये है यहाँ पर, सॉरी इसने क्या बोला, एक वर्गाकार की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, वर्गाकार दिया हुआ है, वर्गाकार। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है ये, 15 सेंटीमीटर यहाँ कोने पर बंधा हुआ है ये। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर रस्सी से बंधा हुआ है तो 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये मतलब 5 सेंटीमीटर रस्सी से बंधा हुआ तो 5 सेंटीमीटर तक के एरिया में ये क्या कर सकता है, ऐसे घास चढ़ सकता है ना, घास चढ़ सकता है। तो ये क्या बना रहा है, त्रिज्याखंड बना रहा है। तो मुझे क्या लगाना है, त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल लगाना है। उसने ये पूछा कितने एरिया में वो घास चढ़ सकता है, तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है ये त्रिज्याखंड बनता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, आप लिखोगे, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रस्सी की लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर है, सॉरी मीटर। ठीक है, और 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है, 15 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है। ठीक है, अब देखिए ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, ये 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्गाकार है तो वो 90 डिग्री का बनाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घास चर सकता है, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपका त्रिज्याखंड बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ब्रैकेट में डाल दोगे, क्योंकि ये जो जितने एरिया में ये घास चढ़ सकता है वो हमारा क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर का स्केयर। थीटा क्या है यहाँ, 90/360 गुणा पाई कितना हो गया, पाई देखो अब यहाँ उसने कुछ बोला नहीं है, पाई बोला है तो 3.14 ही लगानी आपको। ठीक है, तो 3.14 गुणा पाई हो गया, आर कितना है, आर 5 × 5 हो गया, पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 90, 4 पर गया ये। ठीक है, अब 4 पर जाने के बाद अब देखिए कुछ किसी पर जा रहा है क्या, ये 4 × 7 = 28 11 में से 8 गए 3, नहीं जा रहा, तो इसको इतना ही छोड़ दो। तो आप क्या करोगे, इसको 5 × 5 = 10 5 × 20 4 पर गया, 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14 तो यह है 157/8। ठीक है, 157/8 जो है वो आपका एरिया आया जहाँ पर घोड़ा जो है वो घास चर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि सेकंड पार्ट में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में अगर वृद्धि, यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दे। देखिए पहले जो रस्सी थी ना वो आपकी 5 मीटर लंबी रस्सी थी। ठीक है, अब उसने ये 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी, 10 मीटर, तो आपको ये बताना है पहले इतनी थी अब 10 मीटर हो गई, तो आपको वो बताना है कि इसमें वृद्धि कितनी हुई, ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वृद्धि निकालनी है, ये वृद्धि निकालनी है। तो मैं इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में अगर ये वाला घटा दूंगी तो मेरा इतना हिस्सा निकल जाएगा ना। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, रस्सी सेकंड पार्ट में रस्सी की लंबाई मतलब आर जो है वो कितनी हो गई, अब 10 मीटर हो गई।
ठीक है, 10 मीटर हो गई तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब घास चर सकने वाला, ठीक है, घास चरेगा, ठीक है, घास चरेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, घास चरेगा कितने क्षेत्रफल में, तो यहाँ त्रिज्या खंड बन गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा कितना, वही सेम 90/360, पाई कितना है 3.14, अब आर कितनी हो गई 10 हो गई, पॉइंट हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा, ये 6 कट गया, ये 4 पर गया, 2 × 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये आया आपका 157/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये तो पूरा आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो आप लिखोगे यहाँ चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, कैसे क्षेत्रफल में वृद्धि, उसमें से क्या करोगे आप, इस पूरे वाले में से, इस पूरे वाले में से 157/2 में से माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे 5 मीटर है ये, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 157/2, ये हमने पहले निकाल लिया था, कितना आ गया 157/8, हम क्या करेंगे इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 × 4 = 28, 2 × 4 = 20, 21 × 22 का 2 + 8 = 2, 4 × 1 = 4, 5 = 6, ये आ गया आपका 157, इसमें से ये घटा देंगे, 8 में 7 = 1, 12 में 5 = 7, और 5 में 1 = 4, 471/2, ये आपका क्वेश्चन आ गया, मतलब आप क्या करोगे, इतनी वृद्धि हुई है हमारे इसमें, ठीक है, ये डिफरेंस हमारा निकल गया, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पर प्रेस जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।